मकर संक्रांति का त्यौहार है। मकर संक्रांति का इस त्यौहार राजधानी रांची में भी काफी हर्षोल्लास के साथ यह मनाया जा रहा है। झारखंड टूरिज्म विभाग की तरफ से कांके डैंग में पतंग उत्सव का भी आयोजन किया गया, जिसमें सिर्फ रांची नहीं दूसरे जिलों से भी लोग पहुंचे। इस पतंग उत्सव में गुजरात से भी लोग शामिल हुए हैं, जो अपने साथ 30 तरह के पतंग गुजरात से लेकर आए हैं। सबसे बड़े पतंग की ऊंचाई 100 फीट की है, जिसका वजन लगभग 20 किलो है, पर हवा कम होने के कारण उड़ने में यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है। आइए सुनते हैं ये क्या कहते हैं। को इनवाइट किया है तो उसके लिए हम काफ़ी सारे काइट्स लेके आए, लेकिन थोड़ी परेशानी हवा की है और उसी के कारण अभी थोड़ा काइट फेस्टिवल पतंग उड़ान में दिक्कत है। हम टाइगर 100 फुट का है, फिर रे फिश है 100 फीट की, यानी काफ़ी करीबन 30 से 40 डिजाइन लेके आए। अलग अलग नाम है सबका? सबका अलग अलग नाम है। जैसे रे फिश आती है, वो समुंदर की सबसे बड़ी मछली होती है और वो उसकी भी डिजाइन है। फिर अपना जो बंगाल टाइगर है, वो बंगाल टाइगर का भी सबसे बड़ा वर्जन है, जैसे 100 फुट है वो। लेकिन नहीं उड़ पा रहा था अभी? नहीं, अभी हवा की वजह से और थोड़ी जगह की कमी है तो उड़ाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन जैसे ही हवा बढ़ेगी वैसे उसका शो अच्छा बढ़िया। सबसे बड़ा कौन कितना फीट का है सर? सबसे बड़ा 100 फीट का है, रे फिश है। अच्छा। और उसमें करीबन मटेरियल भी जाता है, एक पतंग का वेट होता है 20 किलो के ऊपर होता है। थैंक यू। पानी मत जाना, उसको और बढ़ जाए।